was 6 years old and he carry all problems. So that's why Govardhan is a signification of problems. अपने अपने पास बहुत सारे problems है, वो सभी problems को तकलीफों को गोवर्धन भगवान एक उंगली से धारण कर देते हैं और अपना दूसरा हाथ अपने कमर पर रखते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, आई विल टेक केयर एवरीथिंग। सो ये है गोवर्धन भगवान। इसीलिए हम गुजराती बहुत स्वार्थी होते हैं, इसलिए पहले दिन गोवर्धन पूजा कर देते हैं और इतना खिला देते हैं कि पूरा साल का पहले दिन आ जाता है और बता देते हैं कि भगवान इतना सारा टारगेट आगे वाले साल में है, तो प्लीज कैरी संभाल के रखना और मेरे पूरे परिवार को आपका ठाकुर जी आश्रय देना। जब ठाकुर जी पूरा धारण कर देते हैं और हम लोग उनके चरणों में उनकी छत्र छाया में चले जाते हैं, तो ये हमारे गुजरात की योगी एक स्वीटनेस है कि पहले ही दिन ठाकुर जी को सब समर्पित कर देते हैं। वल्लभाचार्य ने कहा है सर्व वस्तु नाम समर्पणम भक्ति ही। जब व्यक्ति सभी वस्तुओं को, दुख को भी और सुख को भी, धन को भी और धान्य को भी, अन्न को भी और अपने परिवार को भी जब ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, ठाकुर जी उसका सदुपयोग करके हमें दुगुना करके वापस लौटाते हैं। इसलिए बड़े भाव से श्रद्धा से गिरि गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। उससे पहले बाल कृष्ण भगवान की पूजा की परंपरा, भगवान बाल कृष्ण का हम पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प लेकर भगवान श्री बाल कृष्ण को प्रणाम करेंगे। ओम करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गिरि गोवर्धन धारणे नमः। ध्यायामि आवाहयामि ध्यान पुष्पं समर्पयामि। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बालकृष्ण परमात्मने नमः। हाथ में रखिए, जब तक पूजा होगी तब तक भगवान का ध्यान करना। ओम श्री बालकृष्ण परमात्मने नमः। ध्यायामि आवाहयामि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिको सर्वतसुवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। ध्यायामि आवाहनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पादारविन्दे वाक्यं समर्पयामि। नमो भगवते वासुदेवाय हस्तयोः वर्ग्यं समर्पयामि। नमो भगवते वासुदेवाय मुखे शुद्ध आचमनं समर्पयामि। आपोहिष्टेति स्नानम् ओम आपोहिष्टामयो भुवः स्थान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे जोवस्य वदमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्य क्षया यजिन्वदः आपो जन यथा जनाः सर्वांगे शुद्धोदकस्थानं समर्पयामि। शुद्धोदकम् आचमनीयं समर्पयामि। युवासुवासाः परिमीत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरास कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः बालकृष्ण परमात्मने नमः। सुप्रश्वेतवस्त्रं समर्पयामि। बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। अलङ्कारान् समर्पयामि। मोरपिच्छमुकुटं समर्पयामि। मङ्गलतिलकं कृत्वा गन्धद्वारान्तराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां नामिहो बह्वयेष्यं बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। कुङ्कुमतिलकं समर्पयामि। अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। बोलो बालकृष्ण भगवान् की। बालकृष्ण देवताभ्यो नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। परिमलपत्रपुष्पाणि अर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम बालकृष्णाय नमः। ओम गोवर्धनधरोद्धराय नमः। ओम गौपालकाय नमः। ओम गोवर्धनधारिणे नमः।
अभी कन्या परिश्वक्त वक्षसे नमः ओम गोविंदाय नमः ओम गौचारण लीला तत्पराय नमः गोपी वस्त्रापहारकाय नमः मुचुकुंद प्रसादकाय नमः ओम द्वारिका नाथाय नमः ओम पार्थसारथिने नमः गीता महोदधिकृतये नमः ओम महाभारत युद्धकर्त्रे नमः पांडव सहायकर्त्रे नमः दुर्योधन कुलांतकाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः परब्रह्मणे नमः चरणारविंदे यथाशक्ति पुष्पाणि समर्पयामि सुगंधिधूपम् वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्रीबालकृष्ण परमात्मने नमः धूपम् आग्रापयामि श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमः प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि धूप दीपानंतरे शुद्ध आचमनं समर्पयामि श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमः कदली फलं नैवेद्यं निवेदयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यनेन कदली फलं प्रोक्ष्य ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे परमात्मने नमः इदं नैवेद्यं निवेदयामि उत्तरापोषाणं हस्तमुख प्रक्षालनम् आचमनं समर्पयामि मंगलं लघुनिराजनं कुर्यात् ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने